गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के 5 के आसपास बजे हैं और मुझे अभी जस्ट इन्फॉर्मेशन मिली कि होटल रूम से कि दर्शन करते टाइम अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कैमरा और मोबाइल अलाउड नहीं है। कुछ भी फिर मेल का अगर बेल्ट हो या कुछ भी चीज़ हो, इट इज़ नॉट अलाउड इनसाइड अ कैमरा इनसाइड द हाउस ऑफ द शिल्टी मेन। तो यार मुझे तो सुन के बहुत दुख लगा, बट फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट। जितना मैं हर चीज़ बता सकती हूँ आपको आई विल डेफिनेटली की सिर्फ और सिर्फ वॉलेट लेकर अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज कोई भी एक भी एमिनिटीज हम अंदर एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। मे बी बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो गए होंगे इसके वजह से उन्होंने ये पाबंदी लगाई होगी। फिर भी देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। सो आपको मैं दिखाती हूँ कि लाइन कितनी ज़्यादा रहती है। आज ये संडे है तो संडे के वजह से शायद से बहुत ज़्यादा ही है। तो लेट्स सी, मैं दिखाती हूँ आपको और कौन सी लाइन से हम लोग गए। ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर बहुत ही अंदर बाकी है। सो ये आप पीछे मेरे देख सकते हो कि कितना ज़्यादा लाइन है। सो ये लाइन से हम लोग गए थे, मॉर्निंग 5 o'clock को गए थे और हम दरबार में कुछ नियर बाय 7:20 के आसपास पहुँचे, लेकिन निकलते निकलते पूरा 8:30 बज गया। तो ये एक ट्रेलर है, ये तीन स्लॉट्स को क्रॉस करते करते फिर आप दरबार के मेन एंट्रेंस पे जाओगे। आपको 2 फ्लोर ऊपर जाना है, फिर वापस से 2 फ्लोर नीचे जाना है, फिर वापस से 2 फ्लोर ऊपर जाना है, उसके बाद आप दरबार में पहुंचते हो। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जो भी पर्सन शिरडी आ रहा है, सिक्योरिटी इतनी टाइट है, लाइक लिटरली अगर आप सिक्योरिटी के पास लेकर जाओगे कुछ भी, मतलब थोड़ा शांत पड़ा करके भी लेकर जाओगे तो वो वापस में पूरी लाइन आपको वापस भेज देते हैं और वापस से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। तो प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखिए, प्लीज़ बी डिसेंटली जाइए बिकॉज बहुत सिक्योरिटी टाइट है। आप जो एंट्रेंस करते हो ना, उसमें भी आपका एक सिंगल फोटो खींचा जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आगे जाके आपको कैमराज में भी दिखेगा। तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है यहाँ पे। और एक चीज़ मैं शिरडी के बारे में बोलना चाहती हूँ कि शिरडी वैसे तो नासिक में पड़ता है, मतलब महाराष्ट्र स्टेट में आता है, लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक है ये मुझे 90% पब्लिक जो है ये नॉन महाराष्ट्रन है, ओनली 10% महाराष्ट्रन दिखेगी। बिकॉज मैंने जब लाइन में थे तभी तो हमने महसूस किया ही, लेकिन जब हम एंट्रेंस कर रहे थे तो बहुत सारी जगह पे जो नोटिस बोर्ड्स थे और बहुत सारी जगह तो 4 लैंग्वेज में दिया गया था, इंग्लिश, हिंदी, मराठी और डेफिनेटली कन्नड़। साउथ की ऑडियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये देख के मैं खुद भी बहुत शॉक हो गई। लेकिन यस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन यहाँ पे। तो हमारी शिरडी की जो जर्नी थी वो तो बहुत ही ऑसम हो गई। हमारे अभी नेक्स्ट स्टेशन या नेक्स्ट स्टॉप एक अलग से जगह पे होने वाला है। हमने चेकआउट भी कर लिया होटल से और डेफिनेटली हम लोग अभी जा रहे हैं एक अलग स्टेशन। शिरडी में ये बहुत ही सही किया, आप सिर्फ कैश अलाउड लेके जा सकते हो या वॉलेट अलाउड लेके जा सकते हो, बाकी किसी भी चीज़ की कोई भी VIP क्यों ना हो, यू कैन नॉट। तो साउथ बहुत ही इंटरेस्टिंग था, साउथ की पब्लिक मुझे पता चला जभी तभी, लेकिन ठीक है। अभी मैं जा रही हूँ हमारे पार्किंग के यहाँ पे, तो गाड़ी में बैठ के हम हमारी नेक्स्ट जर्नी जो एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग। सो ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है। अगर किसी ने मेरी शिरडी की जर्नी का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और आप ज़रूर देख लेना, बिकॉज हम अभी शिरडी से निकल चुके हैं और थोड़ा ज़्यादा गाड़ी फास्ट चल रही है इसलिए मेरा कैमरा भी हिल रहा है, माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। सो अभी शिरडी से हम जा रहे हैं शनि सिंगापुर। तो शनि सिंगापुर यहाँ से कम 76 किलोमीटर्स है, तो 76 किलोमीटर्स की ब्यूटीफुल जर्नी को हम कवर अप करेंगे पूरा का पूरा। और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के जो भी मेन पॉइंट्स है और जो भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है वो सब चीज़ों को मैं एक्सप्लोर करूँगी और आपके साथ में शेयर भी करूँगी। तो स्टे ट्यून फॉर दिस जर्नी। तो हमने अभी जस्ट 30 किलोमीटर तक सब कुछ कवर अप कर दिया है जर्नी, और यहाँ से आगे और 46 किलोमीटर का जर्नी होने वाला है। लेकिन कुछ टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे चाय के लिए ऑलरेडी रुके हैं, तो थोड़ा क्योंकि ड्राइविंग करते टाइम कभी कभी बहुत ज़्यादा चाय की ज़रूरत पड़ती है, इसके वजह से बाकी के लोग रुके हैं यहाँ पर। मैं दिखाती हूँ मेरे मम्मी पापा, ये मेरा भाई है
मेरी मम्मी है, दिस इज माई पप्पा, ये मेरे घर के पप्पा है, और कुछ लोग गाड़ी में रुके हैं. सो यस, देखते हैं, लेट्स सी आगे हम हमारी जो 46 किलोमीटर और बाकी है वो जर्नी को कवर अप करेंगे. वापस से हम लोग पेट्रोल भराने के लिए रुके हैं, तो मैक्सिमम 30 से, ये मेरी मम्मी है आज बहुत टाइम के बाद साड़ी पहनी है, बिकॉज टेम्पल आए थे हम लोग, तो यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक चीज़ है. आप देख सकते हो पीछे पेट्रोल पंप है, तो बहुत अच्छा लगा ये देख के. मुंबई में भी होना चाहिए, काश के होना चाहिए, लेकिन लेट्स सी क्या होता है. सो इसी तरह ग्रीनरी के साथ में हम हमारा पार्ट 3 कंप्लीट करते हैं, और स्टे ट्यून फॉर पार्ट 4. यस, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बिकॉज वी आर एंट्रिंग नाउ. बाय बाय.